हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। काशी विश्वनाथ, ओगरदानी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी भगवान शिव, जिनकी पुनीत पावन शिव महापुराण की कथा, बाबा देवादिदेव महादेव की कृपा से, करुणा से, उनकी उदारता से, भगवान शिव की ये पवित्र पावन मास कार्तिक का महीना, भगवान शंकर की करुणा और उनकी उदारता, शिव कृपा से आज आप और हम सबको षडानंद कार्तिकेय जी के इस पवित्र मास कार्तिक मास में स्कंदेश्वर शिव महापुराण की कथा श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है और आपको कथा के पंडाल तक भेज दिया। कथा मंडप में विराजमान सभी संत, ब्राह्मण, गुरुजन, तपस्वी जन, साधक, उपासक एवं बड़े सुपुत्र चिरंजीवी राघव जी मिश्रा, भगवान शिव की कृपा करुणा, फरीदाबाद की यह पवित्र धरा भूमि, जहां पर एक ब्राह्मण परिवार इस पवित्र कथा का लाभ दिला रहे हैं और कथा का आनंद आप और हम सब ले रहे हैं। और तेरी कृपा बिना न मिले एक भी अणु, लेते हैं सांस तेरी कृपा से तनु तनु, बखान क्या करूं मैं राखों के लेन का, चपटी भभूत ने खजाना कुबेर का, अंगहार मुक्ति द्वार ओंकार तू भोले ओंकार तू, आयो शरणार शंभु तार तार तू। भगवान शिव ओगरदानी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी शंकर, पांच दिन हरियाणा वालों को मिले हैं। चार तारीख से आठ तारीख तक ये पवित्र पांच दिवसीय शिव महापुराण की कथा आप और हमको श्रवण कर रहे हैं। और उस भाव से सुनिए, इतना दूर दूर से निकल कर आप लोग यहां तक पहुंचे हो तो शिव महापुराण की कथा को इतने दिल से सुनना, इतने दिल से सुनना कि मेरा कुबेर भंडारी आपकी झोली खुशियों से भर जाए और कृपा कर जाए। एक विश्वास के साथ शंकर भगवान को तुम्हारे द्वारा तुमसे शिव को लड्डू पेड़ा गुलाब जामुन इमरती भजिया पकोड़ा कुछ नहीं चाहिए,
शंकर भगवान को तुम्हारा वैभव, तुम्हारी दौलत, तुम्हारा धन, तुम्हारी सत्ता सब तुम रखो। शिव को केवल तुम्हारा अटूट विश्वास, तुम्हारी दृढ़ता, तुम्हारा भरोसा। शंकर को अति प्रिय है। जितने विश्वास के साथ में, जितने भरोसे के साथ में, जितने दृढ़ता के साथ में कथा का लाभ लोगे, उतना शंकर की करुणा आप प्राप्त कर लो। हमने कई बार कथाओं में कहा है और आप लोगों ने श्रवण भी किया है कि शंकर के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाने के लिए जब आप जाएं, शिव के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाने के लिए जब आप पहुंचें, उस जल चढ़ाने के साथ में तुम्हारे अंदर, तुम्हारे भीतर विश्वास भी पक्का लेकर जाए। शिव मंदिर में अगर हम पहुंचे हैं, शंकर के दरवाजे पर अगर हम पहुंचे हैं, शंकर की चौखट पर अगर हम पहुंचे हैं और हमारा विश्वास, हमारा भरोसा, हमारी दृढ़ता पूर्ण नहीं है, तो शिव नहीं मिल सकते। और तेरी कृपा बिना ना हिले, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से, तनु तनु। आपका भरोसा, आपका विश्वास, आपका दृढ़ता शिव के करीब में लेकर जाता। शिव के पास लेकर जाता। की स्तुति करते हैं, शंकर का भजन करते हैं, शंकर का गुणगान करते हैं, शिव नाम को भजते हैं, जपते हैं, हम भगवान शंकर की प्रार्थना भी करते हैं, हम शंकर भगवान को एक लोटा जल भी चढ़ाते हैं, हम शिव जी को नमन भी करते हैं, शंकर की प्रार्थना भी करते हैं, शंकर का गुणगान भी करते हैं, शंकर की कथा भी सुनते हैं, पर भगवान शंकर हमारी प्रार्थनाओं को जल्दी क्यों नहीं सुनता? हम जो प्रार्थना करते हैं उसका फल हमको जल्दी क्यों नहीं मिलता? आप में से कई माताएं ऐसी बैठी हैं, कई जीजियां ऐसी बैठी हैं, कई जीजा ऐसे बैठे हैं, कई बेटियां, कई बेटा ऐसे बैठे हैं जिन्होंने पशुपतिनाथ के व्रत एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार कर लिए, फिर भी बाबा ने नहीं सुना। एलईडी चालू करवाओ। थोड़ा उसमें प्रॉब्लम आ रहा है एलईडी में, थोड़ी देर बाद चालू हो जाएगी, आप लोग कथा पर ध्यान लगाइए। वो दीदी ने कहा कि गुरुजी शंकर भगवान के मंदिर जाते हैं, एक लोटा जल चढ़ाते हैं, प्रार्थना करते हैं, भगवान शिव की स्तुति करते हैं, पर शिव हमें फल तुरंत क्यों नहीं देते? शंकर भगवान हमें फल तुरंत क्यों नहीं प्रदान करते? हमने उस बहन से एक बात कही कि जीजी तू भगवान को धन्यवाद दिया कर कि अच्छा हुआ तूने फल देने में देरी करी। भगवान को धन्यवाद देना और कहना कि परमात्मा तूने अच्छा हुआ फल देने में देरी करी, किसी एक स्त्री से, किसी एक नारी से, किसी एक माता से पूछना कि उसके गर्भ में बच्चा रहता है, उसके गर्भ के अंदर एक बालक रहता है, एक बालिका रहती है, किसी स्त्री से पूछो उसके गर्भ में एक बच्चा है। कौन माता चाहती है कि उसके गर्भ में बच्चा है तो वो 5 महीने में जन्म ले ले? कोई चाहती है क्या? जम के बोलो जरा।
फरीदाबाद वाली जीजी हैं, तद्धी में बोलती हैं क्या? नहीं। कोई माँ ये चाहती है कि उसके गर्भ में जो बच्चा है कि वो 4 महीने में जन्म ले ले? नहीं। 6 महीने में जन्म ले ले? नहीं। 7 महीने में जन्म ले ले? नहीं। प्रत्येक माँ भगवान से प्रार्थना करती है कि मेरे गर्भ में जो बच्चा है पूर्ण 9 महीने का आराम से बाबा आपकी कृपा से जन्म ले और पूरा स्वस्थ हो, अच्छा हो और संस्कारित हो, अच्छा हो, स्वस्थ हो, संस्कारित। तो भगवान क्या कहेंगे? अगर अच्छा बच्चा चाहिए, स्वस्थ बच्चा चाहिए, तो कम से कम 9 महीना गर्भ में उसको रहना पड़ेगा, उसको 9 महीना गर्भ में रहना पड़ेगा। 9 महीना अगर वो गर्भ में रहेगा, 9 महीना अगर गर्भ धारण कर रहोगे, थोड़ा समय लगेगा, थोड़ी देरी लगेगी, पर फल अच्छा मिलेगा। वृक्ष कहता है मुझमें फल लगा है, थोड़ा पकने दो, थोड़ी देरी होने दो, फल अच्छा मिलेगा। अगर तुम्हारी बात शंकर भगवान सुनते हैं, तुम प्रार्थना करती हो, एक पशुपति व्रत करा, 2 पशुपति व्रत करा, 3 बार पशुपति व्रत करा, भगवान शंकर ने नहीं सुना, शंकर जी के मंदिर में जल चढ़ाते चढ़ाते तुम्हें 3 महीना, 4 महीना, 6 महीना हो गया, 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, 3 साल हो गया, शंकर भगवान ने नहीं सुना, तो भगवान शंकर को धन्यवाद देना कि हो सकता है तो मुझे बहुत अच्छा फल देना चाहता है, इसलिए थोड़ी देरी कर रहा है, मैं जानती हूं कि तू मुझे अच्छा देगा। मैं ये जानती हूं तू मुझे अच्छा फल देगा, थोड़ा समय लगेगा, लगने दो, तेरे मंदिर में आना मेरा काम है और मेरी बिगड़ी बनाना तेरा, तेरी चौखट पर मैं आ ही गया, मुझे दर्श दिखाना तेरा, थोड़ा समय लग सकता, लग। आप भजन में अपना मन लगाइए, आप शंकर के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाइए, थोड़ा समय लग जाए, लोटा भर के जल चढ़ाने में थोड़ा समय लग सकता है, पशुपति व्रत करने में थोड़ा समय लग सकता है, थोड़ा समय तुम्हारा जा सकता है, पर भगवान के शंकर के ऊपर, भगवान की शिव महापुराण के ऊपर एक विश्वास को पक्का रखना, तो ये निश्चित है थोड़ा समय जरूर लगेगा, पर फल इतना अच्छा मिलेगा कि वो फल की गणना कोई नहीं कर सकेगा, इतना अच्छा, इतना असर। आज का व्यक्ति क्या चाहता है? तुरंत जल चढ़े और तुरंत फल मिले। हमारा निवेदन है, आप चाहते हो कि तुरंत जल चढ़े और तुरंत फल मिले, तो एक बात और याद रख लो, पुण्य का फल तुम तुरंत चाहते हो तो पाप का फल भी तुरंत ही मिलता है। इसलिए शंकर भगवान को जल चढ़ाने वाले एक बात का स्मरण रखें, जो कहते हैं कि हम शंकर को जल चढ़ाते चढ़ाते 1 साल हो गया, 1.5 साल हो गया, 3 महीना हो गया, 2 महीना हो गया, 4 महीना हो गया, 6 महीना हो गया, नहीं, चढ़ाते रहो, फाइल मोटी है, थोड़ा समय लग रहा है, मतलब पूर्व का जो पाप है तुम्हारे जल चढ़ाने से वो धीरे 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 धुल रहा है, कट रहा है। और शंकर भगवान कहते हैं अगर पाप जैसे ही पूरा कट जाएगा, एक दिन मैं तेरी झोलियों में खुशी लाकर डाल दूंगा और तू आनंद में जीवन जी। कितना भी पैसे वाले हो, कितने भी करोड़पति हो, कितने भी धनपति हो, तुम्हारे घर में 25 नौकर लगे हो, तुम्हारे घर में 50 नौकर लगे हो, पर तुम्हारे नजदीक में अगर कहीं शिव महापुराण की कथा कुबेरेश्वर बाबा की कृपा से हो रही हो और कुबेर भंडारी अगर कथा कर रहा हो, तो ये विचार कर जाना कि मेरे धन दौलत तो एक तरफ, एक बार मुझे पंडाल में बैठकर बाबा की कथा कर तत्व ग्रहण करना, वो अपनी तरफ। जल चढ़ाने में शर्म नहीं, मंदिर जाने में शर्म नहीं करना चाहिए। बड़ा मन दुखता है कभी कभी देखकर, सिख पगड़ी बांधता है तो अपने आप को गर्व महसूस करता है, सिख पगड़ी बांधता है तो अपने आप को गर्व महसूस करता है, मुस्लिम टोपी लगाता है तो अपने आप को गर्व महसूस करता है, और हिंदू मस्तक पर तिलक लगाता है तो शर्म महसूस करता है। इसको शर्म नहीं आना चाहिए, गर्व महसूस होना चाहिए। स्कूल जाऊंगा तिलक लगा के तो लोग कहेंगे मंदिर से आ रहा है, बाबा जी बन गया, साधु बन गया, सन्यासी बन गया। ऑफिस में जा रहा है तिलक लगा कर तो लोग कहेंगे, नौकर कहेंगे, नीचे के ऑफिसर कहेंगे, सेठ जी आज तो सर आज तो तिलक लगा कर आए, मंदिर जाकर आए। अरे तुम्हें गर्व होना चाहिए कि हम सनातनियों के मस्तक पर तिलक है। क्या करता है तिलक? क्यों साधु सन्यासी तपस्वी साधक संत ब्राह्मण गुरुजन तपस्वी जन क्यों
चाहे ब्राह्मण पूर्व का देख लो, चाहे क्षत्रिय देख लो, चाहे वैश्य देख लो, चाहे शूद्र देख लो, पूर्व के सन्यासी तपस्वी साधक उपासक जितने सनातन धर्म को मानने वाले हैं वो मस्तक पर तिलक लगाते थे। तिलक क्या देता है, क्या प्रदान करता है? महापुराण की कथा कथी है, तिलक क्या देगा? कभी ट्रेन में सफर कर देखना और माथे पर तिलक लगाकर ट्रेन में सफर कर देखना, ट्रेन की सीट भरी पड़ी होगी, अगर तुम्हारे मस्तक पर तिलक लगा होगा तो थोड़ा ना थोड़ा खसक कर लोग तुम्हें बिठा ही देंगे उस तिलक के बल पर। जब तिलक ट्रेन में सीट दे सकता है, जब तिलक बस में जगह दे सकता है, तो मस्तक का तिलक एक ना एक दिन तुम्हें परमात्मा का दर्शन भी करा ही देगा, ये निश्चित है। तिलक लगाने में गर्व महसूस करिए, त्रिकुंड लगाने में गर्व महसूस करिए, मस्तक पर तिलक लगाने में एक गर्व की अनुभूति होना चाहिए। तुम डॉक्टर बन जाओ, कलेक्टर बन जाओ, जब केदारनाथ जी में जाकर त्रिकुंड लगाते होंगे, भारत के प्रधानमंत्री जब काशी में जाकर त्रिकुंड लगाते होंगे, भारत के प्रधानमंत्री भी जब गले में रुद्राक्ष की माला पहनते होंगे, तो कितने सनातनियों को जागृत करते होंगे कि कोई सनातनी है जो तुम्हें जगा रहा है। वो त्रिकुंड लगाकर मस्तक पर तुमसे ये नहीं कहेंगे कि तिलक लगाओ, वो गले में रुद्राक्ष की माला पहनकर तुमसे नहीं कहेंगे प्रधानमंत्री जी की गले में रुद्राक्ष की माला पहनो, पर वो मस्तक पर त्रिकुंड लगाकर गले में रुद्राक्ष की माला पहनकर लाखों करोड़ों को एक मार्गदर्शन करेंगे कि जब मेरे जैसा इतना ऊपर बैठने वाला भी किसी से डरता नहीं और मस्तक पर त्रिकुंड और तिलक लगा सकता है, तो तुम किससे डरते हो? तुम भी अपनी जिंदगी सहजता से जियो। तुम किससे डरते हो? फरीदाबाद में बहुत सारी कंपनियां चलती हैं, हमको पारेश्वर जी कर रहे थे और उनके बेटे चिराग जी कर रहे थे, गुरुजी हमारे फरीदाबाद में बहुत सारी फैक्ट्रियां हैं, बहुत सारी फैक्ट्रियों में माल बनता है, जब चिराग मिलने के लिए हाफ उड़ाए थे तब कह रहे थे कि गुरुजी बहुत सारी फैक्ट्रियां फरीदाबाद में चलती हैं, बहुत फैक्ट्री, जितनी फैक्ट्री में घूमना है घूम लो, सब फैक्ट्री में जो भी माल बनता है उसमें कंपनी का नाम लिखा रहता है। क्यों बेटा चिराग सही है? पारेश्वर जी जितनी कंपनियों में माल बनता है उसमें कंपनी का ट्रेडमार्क लगा रहता है, ब्रांड लिखी होती है कि इस कंपनी का माल है। ये तिलक क्या है? इससे भगवान को भी मालूम पड़ जाता है कि कौन सी कंपनी का माल है। ये भी तो कंपनी का माल है, किस कंपनी का, ये भी तो मालूम पड़ना चाहिए। मस्तक का तिलक हमें गौरव महसूस होना चाहिए, मस्तक का तिलक हमें एक आनंद की अनुभूति कराना चाहिए, आनंद के। शिव महापुराण की कथा कहती है, वो जीजी ने जब दीपावली के एक दिन पहले छोटी दिवाली के दिन उन्होंने कहा कि गुरुजी भगवान देने में बहुत देरी कर देते, हम कहते भगवान को धन्यवाद दो कि देने में देरी कर रहा है, जल्दी देगा तो जल्दी ले लेगा, थोड़ा देने में देरी कर। एक पत्र मैं कैलाश तहसील छेगुआ, आप ही हैं, एक बार फिर से हाथ हिलाओ। आ जाइए, एक बेलपत्र ले जाइए, आ जाइए, एक बार वापस हाथ हिलाओ, ठीक है, आ जाइए। मेरा नाम कैलाश है, तहसील छेगुआ, जिला खंडवा का रहने वाला हूं। मेरा बेटा आयुष जो नीट की MBBS डॉक्टर की तैयारी कर रहा था, कुछ कारणों से 2 साल से लगा हुआ था पर नहीं हुआ। मेरे बेटे को लेकर मैं कुबेरेश्वर बाबा के यहां सीहोर गया, विनती करी और उस दिन से मैंने नियम ले लिया, बाबा जब तक मेरा बेटा डॉक्टर नहीं बनता तब तक मैं तेरी कथा नहीं छोड़ूंगा, जहां कथा होगी वहां जाऊंगा जरूर, चाहे कुछ भी हो जाए। गुरुदेव मेरे गांव के लोग मुझसे कहने लगे, कोई ऐसा होता है कि कथा के पंडाल में बैठकर कथा सुनो और बेटा डॉक्टर बन जाता है? गुरुजी आप कहते हो ना व्यासपीठ से कि बच्चे से कहो कि पूरी मेहनत करे, मेहनत को 4 गुना करे और शंकर को एक बेलपत्री शहद चढ़ाकर अवश्य जाए। मैंने अपने बच्चे से कहा बेटा आज से नियम ले ले कि तू अपनी मेहनत को 4 गुना बढ़ाएगा, अपना परिश्रम पूरा करना, मेहनत पूरी करना, कर्म पूरा करना। सियोर वाला महाराज कहता है कि मेहनत 4 गुना बढ़ाओ, अपनी लगन 4 गुना बढ़ाओ, अपनी पढ़ाई 4 गुना बढ़ाओ, उसके बाद शंकर का भजन करो। अपने बेटे से कहा कि तू पढ़ने में लग जा, मैं
पंडाल में बैठकर कथा सुनूंगा, जब तक तू डॉक्टर नहीं बन जाता तब तक मैं कथा सुनता रहूंगा, तभी तो बाबा सुनेगा। गुरुजी सीहोर से नियम चालू करा, कथा सुनते 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 15 कथा हो गई और 15 कथा हुई और आज मेरा बेटा डॉक्टर हो गया। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए 15 कथा मैं क्रमशः सुनता रहा और मेरे बेटे का नीट में MBBS के अंतर्गत वो पास हो गया और उसको सरकारी कॉलेज भी मिल गया और सरकारी कॉलेज मिलने के साथ में आज मेरा बेटा डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहा है। मैं शिव जी को धन्यवाद देने के लिए। एक लाइन अच्छी लिखी है आप और हम गुनगुनाते हैं। मेरे बाबा तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है, सबसे भोले बाबा तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है, सबसे तेरे दरवाजे की चाबी सबसे बढ़िया है, सबसे जब से तेरा गुलाम हो गया तब से मेरा बिना हो गया, जब से तेरा गुलाम हो गया तब से मेरा बिना हो गया। एक बार जोरदार ताली बजाओ। कह रहे हैं आज छोड़ दी थी बच्चे ने पर विश्वास पूरा रखा, आज मेरी 15 कथा हो गई और मेरा बेटा का डॉक्टर में सिलेक्शन हो गया। मैं बाबा मिल गई मुझे को चोट तेरी सबसे बढ़िया है, सबसे भोले बाबा तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है, सबसे एक विश्वास, एक भरोसा, एक दृढ़ता। लोग कहते हैं कि पंडाल में बैठकर कथा सुनने से क्या होता है, हम कहते हैं एक बार दिल से तो सुनकर देखो, दिखावे से नहीं। ए मेरी हरियाणा की जीजी और मेरे हरियाणा के जीजाओं, मेरी बेटियों मेरे बेटाओं, मेरी माताओं मेरे भाई, दिखावे से नहीं। 5 दिन की शुमहापुराण की कथा है, 4 तारीख से चालू हुई, 8 तारीख को विराम हो जाएगी, फिर 11 तारीख से 17 तारीख तक उत्तर प्रदेश पीलीभीत में प्रारंभ हो जाएगी। दोपहर में 2 बजे से 5 बजे तक वहां कथा चलेगी। 11 नवंबर से 17 नवंबर तक पीलीभीत में हो जाएगी, फिर 20 नवंबर से काशी में प्रारंभ हो जाएगी। एक बार अगर मौका मिले और शुमहापुराण के पंडाल में बैठकर कथा श्रवण करने का मौका मिले तो उस बाबा से अपने मन की बात दिल से एक बात जरूर कहना कि बाबा तू सुनना चाहिए। थोड़ी देरी हो सकती, थोड़ा समय लग सकता, इंतजार करो, थोड़ा इंतजार, फल देगा, अच्छा देगा। फल देने में देरी नहीं करेगा, अच्छा देगा, थोड़ा इंतजार करो। वो दीदी ने कहा कि भगवान फल बहुत देरी में देता, दें दो, धन्यवाद क्या उसको, उसको धन्यवाद क्यों। थोड़ा समय भले लग जाए, एक माँ गर्भ में बच्चा होता है तो भगवान से कहती है भले समय लग जाए पर बच्चा स्वस्थ देना, उसको कोई बीमारी मत दे देना भगवान, उसको अच्छा दे, थोड़ा समय लग जाए पर फल अच्छा दे। आप में से कितने लोग हैं जो शंकर जी के मंदिर में जाके एक लोटा जल चढ़ाते हैं, हाथ उठाओ जरा, सब चढ़ाते हो, रखो 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 वापिस रखो, बहुत बहुत साधुवाद है, चढ़ाना चाहिए। किसी को 1 साल हो गया, किसी को 3 महीने हुए, किसी को 6 महीना हुआ, किसी को 2 साल हो गया, किसी को 5 साल हो गया, किसी को 4 साल हो गया, जल चढ़ाते 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 इतना इतना समय हो जाए, लगे रहो उसको दिल से भाव से दिझाते। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावानी बाबा, डोर उसको रिझाते हो। श्री महापुराण की शुरुआत एक देवराज नाम के ब्राह्मण से होती है।
जिसने कभी शंकर की कथा भी नहीं सुनी। अब आप लोगों के मन में आएगा कि देवराज नाम का ब्राह्मण जो शंकर की कथा नहीं सुना, मंदिर नहीं गया, देवालय नहीं गया, शिवालय नहीं गया, तो फिर इसको भगवान शंकर का कैलाश धाम कैसे मिल गया? शंकर भगवान उसको नंदी पर बिठाकर कैलाश लेकर गए, शिवजी पैदल पैदल गए उसको नंदी पर बिठाकर ले गए, ऐसा कौन सा पुण्य उसने कर दिया? ये पुण्य कौन सा था? ये कहां का पुण्य था? ये पुण्य देवराज नाम के ब्राह्मण का नहीं था। देवराज नाम के ब्राह्मण की माता शंकर के शिवालय में जाकर एक लोटा जल समर्पित करती थी, और देवराज नाम के ब्राह्मण की माता जब एक लोटा जल शंकर के मंदिर में समर्पित करती थी, शिव के मंदिर को जल चढ़ाती थी, उस जल का फल ये मिला कि चोरी का धन लेकर देवराज शंकर के मंदिर में शरीर में ताप पड़ने पर, शरीर में कष्ट पड़ने पर शिवालय पर पहुंच गए, शंकर के मंदिर पहुंच गए। शरीर में ताप पड़ रहा है और शिव याद आ रहा है। आप सबसे निवेदन है, जितने आस्था चैनल के माध्यम से कथा सुन रहे हैं, जितने फेसबुक ग्रुप के माध्यम से कथा सुन रहे हैं, जितने इस पवित्र फरीदाबाद हरियाणा की पवित्र भूमि से कथा सुन रहे हैं, आप सबसे निवेदन है, अगर आपकी दुख की घड़ी में शंकर याद आ रहा है, आपकी तकलीफ की घड़ी में शंकर याद आ रहे हैं, आपके कष्ट के समय पर शंकर याद आ रहे हैं, आपको हर पल शंकर का स्मरण आ रहा है, जरा सा कोई दुख आया और तुम एक लोटा लेकर अगर शिव के मंदिर पहुंच रहे हो, जरा सा कष्ट आया और तुम एक लोटा जल लेकर शंकर की चौखट पर जा रहे हो, जरा सा दुख आया तुमने शिव का श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करना प्रारंभ कर दिया, तो समझ लेना ये जल तुम खुद नहीं चढ़ा रहे हो, ये जल तुम शंकर के मंदिर में खुद नहीं जा रहे हो, तुम्हारे मुख से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम तुम खुद नहीं बोल रहे हो, शंकर भगवान स्वयं तुम्हें अपना समझकर तुम्हारे से ये कर्म करवा रहे हैं जिससे तुम भव से पार हो जाए, तो उनके करीब आ जाओ, कोई दूसरा नहीं करवा रहा है, शिव स्वयं शंकर स्वयं करवा। एक पत्र आज हम अभी पत्र तो हम पूरे नहीं पढ़ पाए पर दो पत्र हमने पढ़े। एक पत्र देखिए, मेरा नाम निशिता कुमारी, मेरे पति का नाम विपिन कुमार है, मैं जिला फरीदाबाद हरियाणा की रहने वाली हूँ, पर्वतीय कॉलोनी की रहने वाली हूँ, कहीं बैठी हूँ, पत्र को आप लोग देख सकते हैं, मेरा नाम निशिता कुमारी, मेरे पति का नाम विपिन कुमार है, मैं जिला फरीदाबाद पर्वतीय कॉलोनी हरियाणा की निवासी हूँ, कहीं बैठी हैं? बैठी हूँ तो हाथ हिला सकती हूँ, आप ही हैं, आ जाओ एक बेलपत्र ले जाना, आ जाइए, पर्वती कॉलोनी की रहने वाली हूं। गुरुजी, शंकर की कथा और शंकर पर चढ़े हुए एकलौते जल का मैं क्या वर्णन करूं गुरुजी? कुछ दिन पहले बहुत स्वास्थ्य खराब हो गया था, बुखार सही नहीं हो रहा था, बाद में पता चला कि कान के पीछे एक गठान हो गई थी, सिर में कान के पीछे गठान हो गई, जब अल्ट्रासाउंड कराया तो गठान 20 एमएम की हो गई, डॉक्टर को दिखाया फरीदाबाद के दिल्ली के, तो डॉक्टर ने कहा कि इस गठान का ऑपरेशन जरूरी है और यह गठान दूसरी भी हो सकती है। हम घबरा गए कि गठान हो गई है तो, और ऑपरेशन का डॉक्टर बोल रहे हैं और ये गांठ, डॉक्टर कह रहे हैं कि यह दूसरी बीमारी भी है, इसलिए गठान का ऑपरेशन करना जरूरी। मेरे पति मुझे डॉक्टर को दिखाकर आए और अपने घर आकर थोड़े दुख उनको भी लगा, हमको भी लगा कि डॉक्टर ने एकदम ऐसा बोल दिया। तब मैंने मेरे पति से कहा कि मेरा शरीर ठीक नहीं है, आप एक काम करो, आप सीहोर चले जाओ, वहां से रुद्राक्ष लो। मैंने प्रतिदिन शंकर के मंदिर में जल चढ़ाना प्रारंभ कर दिया, पति सीहोर गए, वहां से रुद्राक्ष लाए, रुद्राक्ष को गलाकर तांबे के कलश में शिव जी को जल चढ़ाती, उस जल का पानी रोज सुबह सुबह पी लेती। गुरुदेव, डॉक्टर ने हमको 15 दिन दिए थे ऑपरेशन के लिए और कहा कि इसका ऑपरेशन बहुत जरूरी है कि बीमारी दूसरी है। अब हम 15 दिन का हम समय लेकर आ गए और हमने कहा कि 15 दिन के बाद हम ऑपरेशन करा लेंगे। हम जल पीना प्रारंभ कर दिए, शंकर के मंदिर में झाड़ू लगाना प्रारंभ कर दिया, पोछा लगाना प्रारंभ कर दिया, शिव के मंदिर में जाने लगे, पशुपतिनाथ का व्रत करना प्रारंभ कर दिया और टीवी के सामने आसन लगाकर कथा सुनना प्रारंभ कर दिया। गुरुदेव, हम पहले आपको जानते नहीं थे, आपकी कथा पहली बार हमने श्रवण करना जब प्रारंभ करा टीवी के सामने, बाबा की ऐसी कृपा हो गई गुरुदेव, हम दूसरी बार 15 दिन के बाद जब गांठ का ऑपरेशन कराने के लिए हॉस्पिटल में पहुंचे तो डॉक्टर ने फिर वापस अल्ट्रासाउंड कराया और उसमें सारी रिपोर्ट निगेटिव बताकर कह दिया, अब तुम्हें ऑपरेशन की जरूरत नहीं है, गांठ गल रही है, अब ऑपरेशन की जरूरत नहीं और कोई बीमारी तुमको दूसरी नहीं है, आप ठीक हो। मैं मेरे भोले बाबा को यहां पर प्रणाम करने के लिए गुरुजी आई हूं, शिव तत्व की प्राप्ति। शंकर, मेरा नाम निशिता कुमारी, पति का नाम विपिन कुमार, पर्वतीय कॉलोनी फरीदाबाद हरियाणा की रहने वाली, आ जाओ।
ठीक है बेटा, बाबा की शिव तत्व की प्राप्ति हमारा विश्वास कितना पक्का है, हमारा भरोसा कितना पक्का है शंकर के प्रति, हमारा एक लोटा जल जो हम शंकर के मंदिर में लेकर जा रहे हैं, हम एक लोटा जल जो शिवजी को चढ़ाने के लिए जा रहे हैं, उस शंकर को चढ़ाने वाला एक लोटा जल हमारे कितने विश्वास को प्रबल करता है। हमारा भरोसा कितना प्रबल हो सकता है। फिर निवेदन, मेरे भोले बाबा को तुम्हारा धन वैभव सत्ता धन दौलत लड्डू पेड़ा गुलाब जामुन इमरती भजिया पकौड़ा कुछ नहीं, कुछ भी नहीं, वो एक लाइन बोलते हो ना कि भगत के वश में बस भाव बिना ये कुछ भी नहीं है। आपके भीतर की जो श्रद्धा हो, आपके भीतर का जो विश्वास हो, वो परमात्मा के नजदीक ले जाए, नजदीक। आपके भीतर का विश्वास कितना है, प्यार में और चाहत में एक बहुत बड़ा अंतर होता है। ओ मेरी फरीदाबाद की जीजी और जीजा, प्यार में और चाहत में जमीन और आसमान का अंतर होता है। हमारे पास कोई आकर कह दे ना कि हम शंकर भगवान से बहुत प्यार करते हैं, गुरुजी हम शंकर जी से इतना प्यार करते पूछो मत, और गुरुजी आप करते हो कि नहीं करते, हम कहते हैं हम शंकर जी से प्यार नहीं करते। ओ लो इतने बड़े कथाकार शंकर जी की कथा करते हो और कहते शंकर जी से प्यार नहीं करते, नहीं हम शंकर से चाहत रखते हैं, हम शिव को चाहते हैं, प्यार नहीं करते। हम कहते प्यार और चाहत में अंतर होता है, प्यार टूट जाता है, चाहत कभी टूटती नहीं है, अटल की अटल रहती है। हमारा आपसे निवेदन है शिव को चाहो, प्यार नहीं, प्यार टूटता है, प्यार टूट जाता है, प्यार कभी भी टूट जाएगा। एक बेटा और माँ का स्नेह है, बहू आई टूट गया, एक बेटी और माता पिता का स्नेह जमाई आया टूट गया, भाई भाई का स्नेह प्रेम है प्यार है टूट गया, बहन बहन का प्यार है टूट गया, परिवार का प्यार है टूट गया, संसार का प्यार है टूट गया, जगत का प्यार टूट जाता है। प्यार किसी से भी करोगे एक ना एक दिन टूटेगा जरूर, पर चाहत कभी टूटती नहीं है, क्योंकि चाह कभी कम होती नहीं है, उसको पाने की चाह बढ़ती चली जाती है। इसलिए मेरे महाकाल से, मेरे कुबेरेश्वर महादेव से, मेरे ओमकार नाथ से, मेरे विश्वनाथ से तुम प्यार करो ना करो, पर मेरे महाकाल बाबा को चाहो और दिल से चाहो, तुम्हारी चाहत बढ़ना चाहिए कि मुझे शंकर से मिलना है, मुझे शिव से मिलना है। और मेरे बाबा तेरा सहारा है, मेरे बाबा तेरा सहारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा है। आप कितना भी परमात्मा को चाह लो, कितना भी भगवान से प्यार कर लो, कितना भी भगवान से स्नेह कर लो, पर कभी अपने मुख से यह मत कहना कि भगवान मुझे जानता है, भगवान मुझे पहचानता है, मैं उसको कितना प्यार करता हूं, मैं कितना चाहता हूं, मैं शंकर को कितना भजता हूं, मैं शंकर का कितना स्मरण करता हूं, ये भगवान शंकर से कोई पूछ ले जाकर कि मेरा प्रेम कितना है शिव से, ना प्रेम पूछा नहीं जाता, प्यार दिखाया नहीं जाता, स्नेह तो केवल दिल से होता है, छुपा होता है, ना उसकी प्रस्तुति होती है, ना उसका दिखावा होता है। दिखावा कौन करता है, जिसको तुम्हें छलना होता है, एक घर की धर्म पत्नी होती है और एक और होती है बाहर, वो तुम्हारी जेब को देखती है और तुमसे बहुत प्रेम करती है, जेब को देख के, पैसे को देखकर, सेठ जी आए हैं, बाबा जी आए, ये आए, तुम्हारी युवानी अवस्था को देखकर, तुम्हारे शरीर को देखकर वो तुमसे प्रेम करेगी। और एक होती है घर की धर्म पत्नी, जो दिन रात तुम्हारे लिए लगी रहती है, दिन रात तुम्हारी सेवा में लगी रहती है, बीमार हो तो सेवा में, घर छोड़कर चले गए तो लगी है, बच्चों को संभाल रही है भले, पर तुम्हें क्या लगता है कि वो बहुत ही प्रेम करती है जो बाहर की है, पर स्नेह अगर देखा जाए, अवस्था अगर देखी जाए, तो घर की तुम्हारी धर्म पत्नी वक्त पड़ने पर यमराज से भी लड़कर सावित्री बनकर सामने खड़ी हो जाती है। परमात्मा दिखावा नहीं चाहता। आज के लोग, दुनिया के लोग कहते थे भगवान से जाकर पूछ लो कि मैं उनको कितना चाहता हूं, कोई दूसरे से पूछ ले कि मैं परमात्मा को, ना ना, प्यार टूट सकता है। फिर निवेदन है,
बच्चे से पिताजी कहते हैं कि तू मेरा हाथ पकड़ ले, और बच्चा पिताजी से कहता है कि पापा तुम मेरा हाथ पकड़ लो। दोनों में अंतर है, बच्चा पापा का हाथ पकड़ेगा तो मेले में खो जाएगा, हाथ छूट जाएगा, और पापा पिताजी जब बच्चे का हाथ पकड़ेंगे तो वो मेले में खोने नहीं देंगे, क्योंकि उनकी मजबूत पकड़ होती है। उसी तरह शंकर भगवान से कहना मैं तुमको ना पकड़ूं, शिव मैं तुमको ना पकड़ूं, शंकर भगवान से कहना मेरे महाकाल राजा तुम मुझे पकड़ कर रखना, मुझे विश्वास है तुम मुझे गिरने नहीं दोगे, खोने नहीं दोगे, तुम मुझे खोने नहीं दोगे, तुम मुझे गिरने नहीं दोगे। अरे सहारा किसी का मिले ना मिले, तेरे दर का सहारा जरूर चाहिए, किनारा कहीं का मिले ना मिले, तेरे दर का किनारा जरूर चाहिए। उसे कहो देरी लगे लग जाए, समय लगे लग जाए, हम एक लोटा जल चढ़ाते 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 एक दिन सोचने लगते हैं इतने समय से चढ़ा रही भगवान मेरी नहीं सुन रहा, पशुपति व्रत करते करते सोचने लगते हैं भगवान मेरी नहीं सुन रहा, भजन करते करते सोचने लगते हैं भगवान मेरी नहीं सुन रहा, नहीं चलते रहो, हमारा पाप परमात्मा काटेगा तब तो कुछ देगा। यहां पर मेरे जीजाहुन बैठे हैं, मेरे भाई बैठे हैं, मैं उनसे पूछूं आपने रेजर उठाई और डायरेक्ट दाढ़ी बनाई या रेजर उठा के डायरेक्ट सफा चट कई करी, करते हो क्या? जम के बोलो जरा नहीं। क्या करते हो पहले? थोड़ा सा पानी लेके दाढ़ी को लगाओगे, सिर को लगाओगे, खवास क्या करेगा पहले? थोड़ा थोड़ा पानी और क्रीम लगा के, थोड़ा थोड़ा शेविंग क्रीम लगा के उसको मलेगा, गलाएगा। क्यों गलाता? कि ये बाल जब कटे तो कष्ट ना हो, कष्ट ना हो, इसलिए उसको गला रहा है। शेविंग क्रीम लगाकर, पानी लगाकर, तेल लगाकर, उसको बार बार मलकर उसको गलाया जा रहा है। अगर वो चाहता तो एक बार में रेजर उठाकर काट देता, पर नहीं रे, कष्ट होगा इसलिए थोड़ा सा इसको गलाना पड़ेगा। उसी तरह संसार में जन्म लिया है, थोड़ा बहुत दुख आ भी जाए, समझ लेना परमात्मा अभी हमें गला रहा है और गलाएगा। एक दिन हम जल चढ़ाते रहेंगे चढ़ाते रहेंगे, थोड़ी देर दाढ़ी गलती रहेगी गलती रहेगी, जल चढ़ता रहेगा तो हमारा पाप कट जाएगा। उसी तरह जल चढ़ाते चढ़ाते पाप कट जाता है, वैसे ही थोड़ा गलाते गलाते दाढ़ी भी कट जाती है। उसी तरह थोड़ा समय लग सकता, थोड़ा समय लगेगा, थोड़ा स्मरण रखिए। ये जितने आए हो ना कथा में, फरीदाबाद की कथा में जितने कथा श्रवण करने के लिए बैठे हो, जितने बैठे हो, बड़ी आस, जैसे इस भाई ने अपने पत्र में लिखा कि मैंने मेरे बेटे से कह दिया कि तू पढ़ने में मन लगा, सियोर वाला महाराज कहता है कि चार गुना विद्या अध्ययन करो, चार गुना पढ़ाई करो, अपनी मेहनत को चार गुना बढ़ा। मैंने अपने बेटे से कह दिया चार गुना पढ़ाई कर, तू नीट में पास होगा और तू डॉक्टर बनेगा, ये निश्चित है, कर पढ़ाई। और मेरे बेटे ने पढ़ाई करी और मैंने कथा नहीं छोड़ी, क्यों ना शिव की आराधना। हमारा विश्वास हमें शिव के करीब में लेकर जाता है, शंकर के पास। देवराज कभी मंदिर नहीं गया, देवराज कभी भजन नहीं किया, देवराज ने कभी शिवालय नहीं गया, देवराज ने कभी शंकर की स्तुति नहीं करी, देवराज ने कभी महापुराण की कथा नहीं सुनी, फिर भी शंकर उसको नंदी पर बिठाकर, क्यों? क्योंकि उसके घर की माँ, उसकी बुजुर्ग माँ शंकर के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाती थी। महापुराण की कथा कथी है, परिवार का, कुल का, वंश का एक व्यक्ति भी शंकर के मंदिर में शिव को जल चढ़ा रहा है, उसका फल मिल जरूर रहा। अभी अभी हमने कथा में कहा था कि श्री प्रवीण कुमार जी पारेश्वर, श्रीमती हेमलता पारेश्वर जी कोरोना महामारी में कथा करवाए, ऑनलाइन करवाए, कथा किसने बुक करी थी कोरोना महामारी में? प्रवीण कुमार जी ने नहीं, हमारी हेमलता जी ने कथा बुक करी थी। किससे पूछकर करी थी? प्रवीण कुमार जी से पूछकर करी। प्रवीण कुमार जी ने हां भरी, पाराशर जी ने फिर बेटी से पूछा, चिराग बेटे से पूछा, टीना से कहा हम ऑनलाइन कथा करा रहे हैं कोरोना महामारी में, बेटी ने भी कह दिया मम्मी बिल्कुल, बेटे चिराग से पूछा उन्होंने भी कह दिया मम्मी बिल्कुल। अब हमने हेमलता जी से एक बार सीहोर में पूछा कि जीजी ये बताओ कि तुमने अभी तो कोरोना महामारी में ऑनलाइन कथा कराई और फरीदाबाद कथा, तो क्या गुरुजी हम बाबा से कर गए थे कि बाबा ऐसी कृपा करना कि एक बार हमारी हरियाणा में भी फरीदाबाद में कथा हो जाए, तू करुणा तू कर।
श्वास और वो भी दड़ी। बहुत सारे लोग आते हैं कथा सुनने के लिए, बहुत सब बाबा से कहते बाबा मेरे पांव में दर्द है सही कर देना, बाबा मेरी कमर में दर्द है सही कर देना, बाबा मुझे पैसा देना, बाबा मुझे ऐसा करना। बहुत लोग आते हैं कथा सुनने के लिए। हमारा निवेदन है तुम कथा सुनने आओ ना तो बाबा से ये सब चीज बोलो ही मत। तुम तो बाबा से कहो क्यों रे कुबेर भंडारी हमसे कथा कब करवा रहा, मेरे गांव मेरे घर कथा करने कब आ रहा। कुबेरेश्वर बाबा कथा सुनने बैठी हूं फरीदाबाद की इस पवित्र भूमि पर, कथा सुनने के लिए बैठी हूं, मुझे कुछ नहीं चाहिए बस तेरा साथ चाहिए और तेरा हाथ चाहिए। जब तू खुद मेरा हो जाएगा तो कुबेरेश्वर महादेव कहते हैं कुबेर का भंडार तो तू खुद भर देगा और कथा भी कराएगा, ये विश्वास कर। और मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा है। उसको चाह लो, उसको चाहो, चाहो मतलब चाहत कभी खत्म ना, प्यार खत्म हो जाता है चाहत खत्म ना होना चाहिए। हापुड़ की कथा में हमने कहा था आई मिस यू से ज्यादा अच्छा शब्द है आई विथ यू, मैं तुम्हारे साथ हूं। पत्नी मायके चली गई और पति मैसेज में लिख रहा है आई मिस यू और घर में रहती है, तब इनको तलवार दे दो, उनको बर्छी दे दो, दोनों चली गई तब काम मिस यू, साथ रहते तब कहते कि मेरे को तेरे बिना अच्छा नहीं लगता, तू यहीं रहे, तू यहीं पर ठीक है। शंकर भगवान को तुम जल देते हो, शंकर भगवान को बेलपत्र देते हो, शंकर भगवान को फूल देते हो, शंकर भगवान को सब कुछ देते हो, तुम धतूरा देते हो, चंदन देते हो, अगर देते हो, तगड़ देते हो, शिव जी की आराधना में लगे रहते हो, भगवान शंकर का मंदिर सजा देते हो, पर शंकर भगवान से ये नहीं कहते बाबा तेरे बिना अच्छा नहीं लगता, तू चलना मेरे साथ, मेरे घर पर रहना। मैंने सुना है जहां तू है ना वहां संपूर्ण देवता 33 कोटि देवता तेरे चरणों में बैठे हैं, तू चलना महादेव मेरे घर चलना, तुम मेरे तेरे बिना मन नहीं लगता, कालाधिपति तेरे बिना चित्त नहीं लगता। और शिव के सिवा कहीं दिल ना लगाना, शिव के सिवा दिल ना वरना पड़ेगा तुझे आंसू बहाना, वरना पड़ेगा तुझे आंसू बहाना, शिव के सिवा कहीं दिल ना लगाना, शिव के सिवा शिव के सिवा कहीं दिल ना लगाना, शिव के सिवा कहीं दिल ना लगाना, वरना पड़ेगा तुझे आंसू बहाना, वरना पड़ेगा तुझे आंसू बहाना, ओ वरना पड़ेगा तुझे आंसू बहाना, शिव के सिवा कहीं दिल ना लगाना, शिव के सिवा कहीं दिल ना
मेरा नाम रेखा है, रामवीर निवासी होडल जिला पलवर की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हूँ, अगर कहीं बैठी हो। मेरा नाम रेखा, रामवीर निवासी होडल
जिला पलवल की रहने वाली हूँ, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हूँ, अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हूँ, और बच्चे को अगर लेकर आई हो तो साथ में ला सकती हूँ व्यासपीठ। गुरुदेव, मेरी शादी को 12 साल निकल गए थे, हमने दिल्ली का इलाज करवाया, आगरा का इलाज करवाया, सब जगह इलाज करवाया, पर संतान का सुख नहीं पाया। IVF करवाया परंतु संतान का सुख नहीं आया। टेस्ट ट्यूब बेबी करवाया, कोई सुख नहीं आया। 5 साल हमने डॉक्टर को दिखा दिखा कर हार गए। टेस्ट ट्यूब बेबी करवाकर, IVF करवाकर भी हमें जब संतान नहीं हुई, आखिरी में हम लोगों ने छोड़ दिया। गुरुजी, घर के लोग तो औलाद के लिए नहीं कहते, पर बाहर के लोग ताना बहुत देते। शादी के 12 साल निकल गए, संतान का सुख नहीं, तो दुनिया के लोग बहुत कुछ कहते। एक दिन मेरी सास ने मुझसे कहा कि बेटा एक काम कर, मेरी सहेली ने मुझसे कहा है कि TV पर आस्था चैनल पर वो सियोर वाले महाराज की कथा आती है, शिव महापुराण की कथा बाजता है, व्यासपीठ पर बैठकर बोलता है, तो मैंने सुना है, मेरी सहेली कर रही थी कि आसन लगाकर TV के सामने बैठकर अगर कथा सुनी जाए, कुछ ना कुछ वो अपनी कथा में बता देता है, तो उसको अगर करा जाए तो बाबा सुनता जरूर। गुरुजी, मेरी सास के कहने पर मैंने TV के सामने बैठकर कथा सुनना प्रारंभ करा, और गुरुदेव बाबा से प्रार्थना करी, बाबा मेरा गर्भ नहीं ठहर रहा, 12 साल हो गए संतान का सुख नहीं, डॉक्टरों को दिखा दिखा कर हार गए, IVF करवा लिया, टेस्ट बेबी सब करवा के हार गए, पर संतान नहीं हुई। सास के कहने पर मैंने TV के सामने बैठकर कथा सुनी, और आपने कथा के माध्यम से रुद्राक्ष महोत्सव का मंडन किया, हम लोग रुद्राक्ष लेने के लिए सीहोर गए, बाबा को प्रार्थना करी, कंकर शंकर को बीन कर, कंकर की पूजन कर कंकर को वहां छोड़कर कुबेरेश्वर धाम का एक कंकर और रुद्राक्ष लेकर हम आ गए। एक रुद्राक्ष कंकर लाए, कंकर को रोज जल चढ़ाते, पूजन करते, शिव जैसी पूजन करना हमने उस कंकर की चालू कर दी। हमें क्या मालूम था कि बाबा का कंकर कोई साधारण नहीं है, कुबेरेश्वर धाम का कंकर वास्तव में शंकर है। गुरुजी, हम कंकर लेकर सीहोर से आए, और बाबा की ऐसी कृपा हुई कि गुरुदेव बाबा ने मेरा गर्भ ठहरा दिया। कंकर आने का 3 महीना भी पूरा नहीं हुआ और मेरा गर्भ ठहर गया, और बाबा की कृपा से आज 26 मार्च 2024 को मेरे घर में संतान की प्राप्ति 12 साल बाद हो गई। मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए, अगर बच्चे को लाए हो तो व्यासपीठ पर ला सकते। शिव तत्व की प्राप्ति, हमारा विश्वास क्या कहता? धर्म पत्नी ने कहा कि यह मत कहो कि पुण्य नहीं है, हमारा पुण्य प्रबल है, इसलिए तुम शिव की आराधना कर रहे हैं। अगर हमारा पुण्य प्रबल नहीं होता तो शंकर की आराधना होती क्या? कौन आता है, कौन बुलाता है, महज भ्रम है, करता सब विधाता है। पुण्य प्रबल हुए, पत्नी ने पति से कहा चिंता मत करो, पति करा, इतने साल निकल गए औलाद नहीं, 50 साल में, जब 50 साल में औलाद नहीं तब क्या औलाद होगी? अरे क्यों चिंता करो, और तेरे सिर पर भोले नाथ फिकर फिर क्या तेरे नाम, ये लाइन आती है आप लोगों को बोलना, जरा जम के बोलो तो भरी बात बोलो, तेरे सिर पर फिकर फिर क्या तेरे नाम। अच्छा, आवाज नहीं आ रही है, जरा दमदारी से बोलो, तेरे सिर पर भोले कर फिर फिकर फिर क्या, पितु भोले बाबा गोरा मैया, पितु भोले बाबा गोरा मैया, फिर क्यों फिकर करे तू भैया, फिर क्यों फिकर करे तू भैया, तेरे बन जाए बिगड़े का फिकर फिर क्या तेरे नाम, तेरे सिर पर भोले नाथ फिकर फिर क्या तेरे नाम। अगर शिव की आराधना कर रहे हो, शंकर का भजन कर रहे हो, शंकर का गुणगान कर रहे हो, शिव महापुराण की कथा करवा रहे हो, शंकर की स्तुति कर रहे हो, शिव के मंदिर में जाकर एक लोटा जल चढ़ा रहे हो, शिव महापुराण की कथा प्रतिदिन सुन रहे हो, चिंता मत करना, तेरे सिर पर भोले नाथ फिकर फिर क्या। किसी ने कहा गुरुजी, एक चेला गुरुजी को देखा, गुरुजी रोज अपने लोटे को, तांबे के लोटे को रोज मानते, चेला कहता पानी तो एक दिन नहीं पीते, रोज रोज मांझ के रख देते। एक दिन चेले ने कहा गुरुजी, इसको मांझने से क्या होता, जब पानी पीना तब मांझ लेना ना, जब पानी पीना तब साफ कर लेना। गुरुजी बोले, नहीं नहीं, रोज साफ करना जरूरी है, मैं तो रोज साफ करूंगा। तो चेला परेशान हो गया, खुद तो साफ करते नहीं, हमसे करवा दे। चेले की दशा देखकर गुरुजी खुद साफ करने लगे।
चेला बोला काहे को साफ कर रहे हो, जब पानी पीना हो तब साफ करो ना। गुरुजी ने साफ करना बंद कर दिया। दो तीन महीने हो गए, तीन महीने बाद चेले से कहा मुझे पानी पीना, ला जरा लोटा ला। लोटा लाया, कलश लाया। गुरुजी ने कहा अब इसको मांझ कर ला, साफ करके लो। चेला गया साफ करने के लिए, पर वो कलश पहले जैसा चमकता था, लोटा पहले जैसा चमकता था, वैसा नहीं चमका। खूब घिसा पर नहीं चमका। गुरुजी से, गुरुजी इसमें चमक नहीं आ रही। गुरुजी बोले अगर रोज रोज साफ करता तो चमकता, अब तूने एक बार में साफ करा, तीन चार महीने में तो चमकेगा नहीं। उसी तरह शिव महापुराण की कथा रोज रोज टीवी पर, मोबाइल पर 5 मिनट 10 मिनट सुनते रहो तो साफ बना रहेगा, परमात्मा भी चमकाता रहेगा और तुम भी चमकते रहो। कोई कहे कितनी बार सुनोगे, कह देना भैया रोज मांझ रही हूं लोटे को, रोज मांझ सारी समस्या का हल, रोज मांझ रही हूं, रोज साफ कर रही हूं, चमकेगा। जो रोज रोज कथा को श्रवण करता है, भगवान की भक्ति श्रवण करता है, भजन करता है, मंदिर जाता, देवालय जाता, शिवालय जाता है, एक दिन चमकता जरूर है। मांझे जाओ, मांझे जाओ, मांझे जाओ, थाली को साफ करे जाओ चमकेगी जरूर, मन को साफ करे जाओ चमकेगा। पत्नी ने कह दिया क्या करें, पति से कहा, पति ने कहा क्यों चिंता करते हो, तेरे सिर पर भोले माठी ब्राह्मण से कहा चिंता मत करो, पत्नी ने बल दिया। लोग कहते हैं घर में पत्नी का होना जरूरी है क्या, बिल्कुल जरूरी है। धर्म पत्नी पति को बल देती है, क्यों चिंता करते हो, क्या हो गया आज मुंह दास करके बैठे हो, अरे दुकान पर घाटा लग, क्यों चिंता करना, टेंशन मत लो, जो होगा देखा जाएगा, तुम्हें क्या करना, अपन ने कमाया है ना, अपन ने घाटा है ना, कोई चिंता नहीं, सब होगा, अरे ऐसा हो गया, अरे क्यों चिंता करना, पत्नी बल बहुत देती है, क्यों चिंता करना, होगा सब होगा, धीरज रखो सब हो जाएगा, बल। पति और पत्नी में एक सबसे बड़ा अंतर है, पति टूट जल्दी जाता है और पत्नी टूटने नहीं देती है। काहे को चिंता करना, बेटा एक एग्जाम में पास नहीं होना, माँ कह देती चिंता मत कर बेटा, फिर मेहनत कर, अच्छी पढ़ाई करना, हो जाएगा, फैक्ट्री में फायदा हो जाएगा, दुकान में लाभ हो जाएगा, क्यों चिंता करना। बेटी कहती मम्मी ऐसा हो गया, क्यों चिंता करना, देखा जाएगा, तो चिंता मत कर। घर की स्त्री, घर की माँ, घर की नारी बल देती, इसलिए उसको शक्ति कहा जाता है। पत्नी ने कह दिया माठी से तुम चिंता मत करो, भोलेनाथ का भजन करते हैं। दोनों पति पत्नी बैठ गए तप करने के लिए, कई वर्ष निकल गए, निकलते निकलते शंकर भगवान प्रसन्न हो गए। जब बहुत दिन लगा कर बैठे रहो, भगवान से प्रार्थना करते रहो करते रहो करते रहो, शिव शिव के उपासक थे, इनके घर में कोई औलाद नहीं थी, संतान नहीं थी, दो साल, पांच साल, दस साल, पंद्रह साल, बीस साल, पच्चीस साल, पचास साल इंतजार करते करते निकल गए, पर संतान का सुख नहीं। माटी बड़े दुखी थे। एक दिन उन्होंने अपनी पत्नी से कहा कि अपन दोनों के संतान की प्राप्ति नहीं, ना मेरे कोई पुण्य होंगे ना तेरे कोई पुण्य होंगे, इसलिए हमें संतान का सुख नहीं। धर्म पत्नी ने अपने पति से कहा क्यों चिंता करते हो, ऐसा मत बोलो कि हमारे पुण्य नहीं होंगे इसलिए संतान नहीं मिली, पुण्य है इसलिए तो मनुष्य की देह मिली है, पुण्य है इसलिए तो हम शंकर भगवान का भजन करते हैं, पुण्य है इसलिए तो हम शंकर का शिवलिंग का निर्माण करते हैं, पुण्य है तो हम शंकर की स्तुति करते हैं, अगर पुण्य नहीं होते तो हम ये शंकर का भजन करते किसी होटल में बैठकर मदिरा का पान कर रहे होते, किसी जगह पर व्यसन में पड़े होते, किसी मांस मदिरा का पान स्मरण कर रहे होते, पुण्य है इसलिए अच्छी जगह पर बैठे। और फरीदाबाद वाली जीजियों, जीजाओं, घर पे जाके नजर उतरवा लेना, तुम्हारा पुण्य है इसलिए फरीदाबाद में ये शिव महापुराण की कथा हो रही है, पुण्य है तुम्हारा। पारसर जी, शिव महापुराण में एक लेख आता है, बच्चा गुल्लक भरता है तो कोई गिफ्ट लाता है, पूर्वजों के पुण्य की गुल्लक भराती है। आपके दादा परदादा माता पिता केवल आपके ही नहीं, जीजीबाई के भी घर के जो पूर्व 71 पीढ़ी में कोई पुण्य करा होगा और आपकी भी 71 पीढ़ी में कोई पुण्य हुआ होगा, तो पुण्य की गुल्लक भराकर जब फूटी होगी तब फरीदाबाद में यीशु महापुराण की कथा हुई होगी, जब पुण्य की प्रबलता। जब कथा होती है ना तो बड़ा थोड़ा कथा के पहले पहले बहुत चिंता भी रहती, टेंशन, कोई इधर से फोन करेगा, कोई उधर से फोन करेगा, ये काम नहीं हुआ, वो काम नहीं हुआ, साहब
लाइट चालू नहीं हुई साहब, जनरेटर चालू नहीं हुआ साहब, बिछात नहीं हुई साहब, ये नहीं हुआ साहब, वो नहीं हुआ, बहुत बहुत टेंशन रहता। कथा कराने वाला विचार करता है अरे राम, बड़ा गजब का काम। भागवत कराना सरल है फिर करें, रामायण कराना सरल है फिर करें, सारे पुराण कराना सरल है, पर शिव महापुराण कराना बहुत कठिन है। क्योंकि इस पुराण का नियम है कि किसी को सूचना नहीं दी जाती तो भी लोग लाखों की संख्या में गाड़ी भरा भरा के भरा भरा के भरा भरा के ओके। भागवत में तो उसी दिन लोग आते हैं और उसी दिन चले जाते हैं, ये तो दो दिन पहले आते हैं और दो दिन बाद जाते हैं। शिव के गण है, शंकर के भक्त है। कथा चालू नहीं हो उसके पहले तक बड़ी चिंता रहती है, पर कथा चालू हो जाए मेरा भोलेनाथ पांच दिन पंडाल में जब आकर शिव पुराण के रूप में बैठ जाए, फिर पंडाल में जब तक शिव पुराण नहीं बैठती तब तक पंडाल की दशा देखना और शिव पुराण बैठने के बाद पंडाल की दशा देखना, ऐसा लगेगा कि शंकर चारों तरफ घूम रहा है। शिव आया, शिव घूम रहा। पत्नी ने पति से कहा, धर्म पत्नी ने माठी ब्राह्मण से कहा कि स्वामी आप कह रहे हो कि हमारे पुण्य नहीं होंगे। धर्म पत्नी कहती है पुण्य है जब तो मनुष्य का शरीर मिला है, पुण्य है जब तो हम भजन कर रहे हैं, पुण्य है जब तो हम कथा सुन रहे हैं, पुण्य है जब तो हम शिव की आराधना कर रहे हैं, ये हमारे पुण्य है, तो फिर हमारे घर औलाद क्यों नहीं है, संतान क्यों नहीं, क्यों संतान नहीं? दिल से बाबा को प्रार्थना करिए, दिल से निवेदन करिए, दिल से बाबा को कहिए, बड़े भाव से बाबा को प्रार्थना करो, निवेदन करो, विनती करो। जहां जगह मिले वहां बैठकर बाबा से प्रार्थना करिए। कार्यकर्ताओं से भी निवेदन है, बैठकर बाबा से विनय करो। बार बार ये फरीदाबाद में कथा नहीं होती, कहीं भगवान देवर्षि महादेव की करुणा कृपा हुई है जो आप और हम कथा श्रवण कर। जहां जगह मिले वहां बैठकर दिल से बोलो बाबा से, साथ में बोलना, कार्तिक का महीना है, दिल से बाबा को प्रार्थना करना, विनय करना। स्कंदेश्वर शिव महापुराण की कथा चल रही है, भाव से प्रार्थना करना।
श्री शिवाय नमस्तुभ्यम्। 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 भोला सब दुख काटो भारा, ओ भोला सब दुख काटो भारा। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला। भोला सब दुख काटो, शिव उभयदानी है, भगवान शंकर करुणा सागर है। केवल उसको विश्वास के बल पर रिझाया जा सकता है। देवराज शिव से दूर रहने वाले पर मां के द्वारा चढ़ाया गया एक लोटा जल, कोई लेट बनता है कोई जल्दी बनता है, पर शिव को जल चढ़ाने वाला एक दिन सेठ जरूर। सारी समस्या का हल, जम के बोलो जरा, सारी समस्या का हल बोलबम का नारा है। थोड़ा समय लगे, लग जा, थोड़ा समय लग सकता है, लग जा। देवराज की माता शिव को जल चढ़ाती थी, इसलिए देवराज की चित्तवृत्ति थोड़ी सी बदली और अंत का जो पल है, अंत की जो घड़ी है, उस घड़ी में शिवालय तक पहुंच गए। कोई पुण्य हमारा, हमारा पुण्य, हमारे पूर्वजों का पुण्य, हमारे माता पिता का पुण्य, हमारे घर के बुजुर्ग का पुण्य हमें परमात्मा के करीब लेकर जाता। आप इतनी संख्या में बैठे हो, लाखों की संख्या में आप लोग यहां आए हो, कथा के पहले दिन ही पूरे पंडालों तुम लोगों ने भर दिए, इससे ही मालूम पड़ता है कि आपके घर का संस्कार कितना प्रबल है और आपके घर का पुण्य कितना प्रबल है जो कथा के पंडाल में बैठ कर। यह पुण्य की प्रबलता है। और कर लो पांच दिन जितनी सेवा बन जाए, महापुराण के ये पांच दिन जो तुमको मिले हैं, चार तारीख से आठ तारीख तक के पांच दिन जो शंकर भगवान के मिले, इसमें जितना पुण्य कमा सकते, कार्तिक के महीने में जितनी सेवा कर सकते हैं उन शिव भक्तों की कर लो, उसका पुण्य है प्रबल। शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का संवाद कर रही है। देवराज की माता भगवान शंकर के मंदिर में जाती, शिवालय में जल चढ़ाती, उस जल का पुण्य इतना प्रबल हुआ कि देवराज की अंतिम क्षण अंतिम वृत्ति शिवालय में निकली। चोरी का धन लेकर जा रहे थे, वो चोरी का धन ले जाकर शंकर के मंदिर में पहुंच गए, क्योंकि शरीर में ताप पड़ रहा था, बड़ा कष्ट हो रहा था। जो था फिर निवेदन एक बार, आपके पास जो है वो परमात्मा को आप दे रहे हो। किसी के पास जल है तो वो जल दे रहा है, किसी के पास बेलपत्र है बेलपत्र दे रहा है, जिसके पास भजन है भजन दे रहा है, जिसके पास गीत है वो गीत दे रहा है, जिसके पास जो है वो परमात्मा को देने का प्रयास करते। एक व्यक्ति ने हमसे कहा, गुरुजी हमारा पड़ोसी रोज हमको गाली बकता, वो गाली देता, गाड़ी थोड़ी सी इधर खड़ी हो जाए तो गाली बके, बच्चे फटाके फोड़ दें तो गाली बके, कचरा इधर फेंक दिया तो गाली बके, हमारा पड़ोसी रोज गाली देता गुरुजी हम बड़े कष्ट में। हमने कहा चिंता मत करो, जिसके पास गीत होता है, पड़ोसी अगर अच्छा है गीत गाता है तो गीत देता है, कोई कवि है पास में तो कविता पाठ करता है तो कविता देता है, आपके पड़ोसी के पास में कुछ नहीं होगा गाली अंदर भरी होगी तो गाली दे। जिसके पास जो है वो परमात्मा को देता है, उसी तरह जिस संसार में आने के बाद आपके पास में क्या है, अच्छाई होगी आप अच्छाई देंगे, सत्कर्म होगा सत्कर्म देंगे, भजन होगा भजन देंगे, कीर्तन होगा कीर्तन देंगे, मंत्र जाप होगा मंत्र जाप देंगे। मेरा फरीदाबाद वालों से निवेदन है, फरीदाबाद के हरियाणा की पवित्र मेरी जीजियों से निवेदन है, जीजाओं से निवेदन है, आप दिन में कथा के पंडाल में नहीं आ सकते तो कभी रात्रि के समय पर पंडाल में आकर देखना, माताएं बड़े प्रेम से भजन गाती हैं, जितनी फरीदाबाद की मंडलियां हैं महिलाओं का जो ग्रुप है वो आकर यहां भजन करता कीर्तन करता नाम जाप करता श्री शिवाय नमस्तुभ्यम करता, खूब नाचते गाते पांच दिन ऐसे निकल जाते, क्योंकि इनके पास देने के लिए कुछ नहीं, इनके पास केवल भगवान का भजन है, भगवान का मंत्र जाप है नाम स्मरण है कीर्तन। एक बड़ी सुंदर कथा आती है, एक माठी नाम के एक बड़े शिव भक्त थे, स्कंद पुराण की यह कथा है, कभी मौका मिले तो गीता प्रेस गोरखपुर की स्कंद पुराण का स्मरण करिए।
एक माठी नाम का एक ब्राह्मण था, ऋषिवर थे, बड़े अच्छे संत जैसे भाव रखने वाले, हे गृहस्थी भक्ति बहुत थी। ब्राह्मण की पत्नी ने माठी से कहकर तप साधना प्रारंभ करी और माठी ब्राह्मण कैसी तप साधना कर रहा, कैसी तप साधना में लीन हुआ है। माठी ब्राह्मण की कथा बहुत लंबी है, इसको कल की कथा में भी अपन श्रवण करेंगे, उसका स्मरण करेंगे कि एक ब्राह्मण का कर्तव्य क्या है। एक ब्राह्मण देवराज है, एक ब्राह्मण बिंदुक है, इनका भी चरित्र आता है। देवराज भगवान शंकर की अविरल भक्ति में कभी नहीं डूबा, तो भी माता के जल चढ़ाने से परमधाम चले गए। बिंदुक नाम का ब्राह्मण चोरी का धन लेकर जा रहा था, जल में गिरने के कारण बस उसको प्रेत की योनि मिल गई। पत्नी चंचुला देवी ने उसके लिए शिव महापुराण की कथा करवाई और उस कथा का फल ये मिला कि वो प्रेत योनि से मुक्त हुआ, प्रेत योनि से मुक्त हो गए। स्वयं देवाधिदेव महादेव भगवान शंकर, पार्वती जी, ईसर जी और गोरा जी बनकर तुमरुका जी के मुखाग्रविंद से शिव महापुराण की कथा सुनने के लिए पहुंचे। ईसर जी गोरा जी पधार रहे हैं, जोरदार ताली बजाकर भगवान शंकर के, एक ईसर गोरा गणा और गौर बनकर पधार रहे हैं, जोरदार ताली बजाएं गणा गौर के लिए। भगवान शिव पवित्र कथा का लाभ लेने के लिए पहुंच रहे हैं फरीदाबाद, हरियाणा की इस पवित्र भूमि पर। ये पवित्र कथा शिव महापुराण की चल रही है, जिसका आज प्रथम दिवस यहाँ विराम ले रहा है। 4 दिन की कथा और है, बड़े दिल से सुनो और इस पवित्र प्रांगण में बैठकर कथा का लाभ लें। 11